जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सागवान की लकड़ी पहचान कैसे करना है। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी कई वीडियो में बना चुका हूँ, आप देखना चाहेंगे तो मैं आई बटन में आगे चल के मैं दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा बिल्कुल आसान तरीका, सिंपल तरीका बताऊंगा, बहुत आसानी से हर कोई पहचान सकता है। तो आइए चले, ये देखिए एक चेयर हमारा हो रहा है, ये सागवान का है। तो पहचान क्या करना है, पहले इधर आइए, ये मैं दिखाता हूँ। ये जो है सागवान का लकड़ी पहचान करने का बिल्कुल आसान तरीका दो है। ये सागवान की बनी हुई है, पीछे प्लाई लगी हुई है इसके पीछे, ये जो है ये प्लाई लगी हुई है, ये चाहे ये प्लाई लगी हुई है और ऊपर डिजाइन से जो बनाए गए हैं सागवान के बनाए गए हैं। तो सिंपल तरीका है सागवान पहचानने का दोस्तों कि इसकी घिसाई करेंगे हम, इस पेपर से घिसाई करेंगे तो जो है बहुत ज्यादा बुरादा निकलेगा। देखिए घिसाई किया है तो कितना ज्यादा बुरादा निकला है, कैमरा शायद कैप्चर नहीं कर पा रहा है लेकिन फिर भी कुछ दिख रहा है आप लोगों को। तो इसमें पहली पहचान है कि सागवान की लकड़ी में ज्यादा से ज्यादा ये बुरादा निकलेगा। और दूसरा पहचान है कि कोई भी सागवान का चीज है, जैसे ये चेयर है, लेकिन सागवान की लकड़ी पहचानना है तो सागवान की लकड़ी में पहचानना क्या है ना कि ये बहुत वजन नहीं होता है, वजन नहीं होगा, बहुत हल्का भी नहीं होगा, इसका वेट बहुत मतलब मीडियम का होता है, मोटाई जैसा होगा उसके हिसाब से इसका वजन होता है। ज्यादा वजन हुआ इसका मतलब वो सागवान नहीं है, अगर बहुत ज्यादा हल्का हुआ इसका मतलब सागवान है लेकिन वो ठीक सागवान नहीं है। जैसे आइए मैं एक और चीज दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देखिए एक बेड रखा हुआ है, ये मैं डिजाइन इसका दिखाता हूँ, ये डिजाइन बनाया गया सिंगल बेडिंग, हमारे कंपनी का सबसे सस्ता वाला यही बेड है। तो ये देखिए पीछे जो है MDF लगाया गया है, ये तो ये जो है वजन ज्यादा है, इसकी वेट जो है ज्यादा है। और ये जो एक बेड रखा हुआ है, ये इसकी भी छोटी साइड में देखता हूं, इसकी छोटी साइड में जो है पीछे प्लाई लगाई गई है, प्लाई लगाई गई है। तो ये जो है MDF के मुकाबले ये हल्का होगा और उठाने में ही ठोस लगेगा ये। तो यही पहचान है दोस्तों कि आपको अगर ध्यान देना है और सागवान का पहचानना, तो सिंपल तरीका इसकी घिसाई करेंगे तो बुरादा ज्यादा आएगा और उसका वजन जो है नॉर्मल होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। आइए एक चीज और दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये जो बेड बनाया गया है, ये जो MDF से पूरे डिजाइन MDF से की गई है और पीछे की एक प्लाई जो है सिर्फ लगाई गई है, तो ये बहुत भारी है। अभी ये सागवान का डिजाइन लगाया गया होता तो ये बहुत हल्का होता, मतलब मीडियम का होता, लेकिन ये बहुत ज्यादा भारी है। तो क्या करते हैं लोग, हमने क्या किया है, इस पे MDF ही लगा हुआ, ये डिजाइन जो है ये MDF लगा है, पॉलिश करके हमने पीला कलर इस पे कर दिया है। तो MDF वाले क्या करते हैं लोग, मैं दिखाता हूं आपको, जैसे मैंने एक कलर बनाया है ये MDF के लिए, तो इधर देखिए क्या करेंगे, इस पे हम कलर करेंगे और इस पे ग्रीन्स बना देंगे तो सागवान से भी बेहतर इस पे ग्रीन्स बनेगा, तो देखने में ये जो है बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये ग्रीन्स सागवान टाइप का हो गया, और भी ग्रीन्स बनाने का जो है कई तरीका लोग जानते हैं, तो एकदम सागवान टाइप का ही बना देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।